पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए राकांपा ने अब विदर्भ पर फोकस करने का फैसला किया है। गुरुवार 28 जनवरी को पार्टी का राष्ट्रवादी परिवार संवाद दौरा आरंभ हो रहा है, जिसकी शुरुआत गढ़चिरौली जिले से होगी। अभियान की प्रदेशाध्यक्ष एवं जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल संभालेंगे। वे करीब 18 दिनों तक विदर्भ के दौरे पर रहेंगे। राकांपा के प्रवक्ता एवं महासचिव प्रवीण कुंटे पाटिल को अभियान के विदर्भ समन्वयक की जवाबदारी भी दी गई है। बुधवार को पत्र परिषद में उन्होंने कहा कि यह संवाद गढ़चिरौली के अहेरी से आरंभ होगा। प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से संवाद साधेंगे। वे हर जिले में सरकारी बैठक में जन संपदा के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। अभियान में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, गृह मंत्री अनिल देशमुख, अन्य व नागरिक प्रशासन मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने शामिल होंगे। पत्र परिषद में राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रूपाली चाकनकर, शहराध्यक्ष अनिल अहिरकर, दिनकर वानखेड़े मौजूद थे। माननीय जयंत पाटील साहेब चंद्रपूरला जातील। चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये विधानसभा निहाय सगळ्या बैठका होतील। त्यानंतर 30 तारखेला गोंदिया जिल्हा, 31 तारखेला नागपूर जिल्हा, पुन्हा 1 तारखेला नागपूर जिल्हा। म्हणजे नागपूर जिल्ह्यामध्ये 2 दिवस असतील। 2 तारखेला वर्धा, 3 तारखेला अमरावती जिल्हा, 4 तारखेला पुनश अमरावती मुक्कामी, 5 तारखेला वाशिम जिल्हा, 6 तारखेला अकोला जिल्हा, 7 तारखेला बुलढाणा, 8 औरंगाबाद, 9 धुळे, 10 शिरपूर धुळे, 11 जळगाव, 12 जळगाव। एकंदरीत हा 18 दिवसांचा दौरा आहे। जवळजवळ 3000 किलोमीटरचा प्रचार दौरा असेल। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।